और रायता मेरा तैयार हो गया, कुमाऊनी रायता चटपटा। गली में आज चांद निकला। तो गाइस यहाँ पे ना किसी ने सुसाइड कर लिया है। मक्खी कैसे घुसा देती अंदर? मक्खी मक्खी ने बेचारी ने ना ऐसे करा, नॉक नॉक, मैं का कौन है, मैं दरवाजा खोला, मक्खी अंदर घुस गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखो जी, आज पुष्पा बना रही है आलू के पराठे। वाह, ये देखो पूरा प्लेट भर के और मिर्ची डाल के, ये मेरे लिए और अपने लिए, है ना? अपने लिए भी मिर्ची वाला, मेरे लिए भी मिर्ची वाला। और देखो पुष्पा ने तो नहा धो लिया भाई, लेकिन हम आलस के मारे संडे को वो कर रहे हैं इंजॉय, क्योंकि संडे को थोड़ा सा बनता है ना। और देखो अभी तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा सब, अभी इसको उठाते हैं। वो देखो ये भी अभी अभी परांठे बना के आया अपने लिए, है ना? सबके लिए बना के आया, लेकिन पुष्पा जो है अपने लिए और मेरे लिए थोड़े स्पेशल वाले बना रही है, लेकिन सबके लिए बनाए इसने। तो चलो जी, पहले थोड़ी सी ये बिस्तर इस तरह उठा लेते हैं, थोड़ी दशा जो है दशा दिशा कमरे ये ठीक करते हैं, फिर इसके बाद नहाई धोई करेंगे, है ना? संडे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहाओ ही ना, वैसे भी अब गर्मी होगी, अब तो रोज नहाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, नहाते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि भी वो नहाते हैं, सर्दी में भी नहाते हैं, गर्मी में तो बल्कि मैं दो दो टाइम नहा लेता हूँ। पर यार एक्सरसाइज नहीं हो रही है। क्या कह रही है, क्या बुराई कर रही है तू मेरी? फिर से तो ये देखो जी, खाने की जल्दी। और पुष्पा ने फटाफट से खाना शुरू भी कर दिया, और ये पता नहीं किस उधेड़ बुन में, क्या भाई क्या हो गया है, क्या हुआ? दुख दर्द पीड़ा क्या है बताओ, इस उम्र में इनको दुख दर्द पीड़ा ही होगी। और मैं भी देखो चले अब नहा के, आज ठंडा पानी है बताओ, गर्म भी नहीं किया इन्होंने, टाइम ज्यादा हो रहा है, फटाफट से नहा लेते हैं। तभी तो पेंडर मांग रहा था फिल्म क्या डाउनलोड आज नहीं, आज इसका एपिसोड बन आएगा ना, वो बड़ी स्क्रीन में देखना मजा आएगा एनिमेशन। ये देखो किस तरह से लहरा रहा है, देखो बिस्तर में अंगड़ी, ये होते बेल्ले बंदों के काम, मतलब बेल्ला देखो कोई वो है इसको, वो देखो बस अंगड़ाइयां सी मारी जा रही है। अबे शर्म कर ले, शर्म कर ले, कुछ शर्म कर ले, बेशरम। तो दोस्तों ये देखो जी हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम, तो अच्छे से परांठे बन रखे हैं मिर्ची वाले, खाते हैं एक चटपटे हो रखे बिल्कुल मज़ेदार। और ये देखो इनके अभी तक पता नहीं क्या चल रहा है इसका, नहा धो भी लिया करो कम से कम, संडे को नहाते नहीं है, पता नहीं क्या करते, झाड़ू नहीं मिल रहा था। और ये देखो ये झाड़ू तो क्या मुस्कुरा रहा है, चल नहाने जा, हफ्ते में एक बार तो नहाता है, वो भी बोल बोल के चल। हाँ तो बेटा गर्मी क्या लग रही है, नहाना चाहिए, अब सर्दियाँ थोड़ी ना, सर्दियों में तो चल मानना है थोड़ा सा आलस आता है, तो गर्मियाँ शरीर को कूल रखने के लिए नहाओ, चलो साफ सुथरा रहना चाहिए बेटा, चलो। हाँ और दोस्तों आज देखो पुष्पा नहीं है ना घर में, संडे तो काम पे गई है, लेकिन आलस के मारे अभी हमको ये नहीं समझ आ रहा कि बनाए क्या, क्योंकि मैं उस कह रहा हूँ उसको बना दे, वो कह रहा उसको बना दे, ये दोनों मेरे को देखे हुए कि हाँ पापा बनाएगा आज, तो पापा घर में है, पापा बनाएगा। देखो झाड़ू भी ये सोच सोच के इसने कहा कि अब करूँ तो क्या करूँ, खाना बनाने से बचने के लिए करने के उपाय, झाड़ू पकड़ो और झाड़ू लगाने लग जाओ तो आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, और खाना नहीं बनाने के दूसरा उपाय नहाने के लिए चले जाओ, चाहे आपने एक महीने से नहा रखा हो और कपड़े उठाओ और सीधा कि मैं तो नहाने जा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्क, है ना? तो अब बच गया पापा, तो पापा क्या बनाएगा बहाना, अब चलो तो सही में जाके देखते हैं, पापा का तो बनाना पड़ेगा खाना। कह रहे भाई रल्ले भैया उठो, देखते हैं रसोई में क्या पड़ा हुआ हमारे पास। और दोस्तों लो जी रसोई में आ गया, और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो अब हमारे पास पड़े हैं ये भट्ट, गांव के भट्ट, इनको तो भूल ही जाओ, ठीक है? ये माँ छिलका पड़ी है, मूंगी छिलका पड़ी है, थोड़ी सी मलका पड़ी है, चने की दाल पड़ी है, इसमें है चने की दाल। तो विषय ये उठता है कि बनाए क्या जाए संडे का दिन, तो अब हम जुगाड़ ऐसे करेंगे कि इन सभी को मिलाकर दाल बना देंगे, मिक्स वेज नहीं मिक्स दाल बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी सारी दाल मिलाते हैं और मिला देते हैं, मज़ा आएगा, ऐसी दाल भी अच्छी लगती है। और दोस्तों ये देखो सारी दालें थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दी है मैंने, ये देखो इसमें, और अपना काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये देखो दाल मैंने चढ़ा दी है, और टाइम हो रहा है इस समय 2 बजने वाले हैं, 5-6 मिनट है सिर्फ 2 बजने में, और बस हमारी कार्रवाई शुरू हो गई।
दोस्तों दाल को लग गई है सीटी जितनी लगानी थी, मसाला मैंने काट लिया, देखो अदरक लहसुन भी कर दिया, और अब पतीले में बनाएंगे तड़का। गली में आजा निकला। देखा मेरा बेटा नहा के आ गया। वाह रिजवल, तू तो चमक रहा है बे, तुम्हारे दांत ही नहीं, तुम तो बिल्कुल मोतियों से चमक रहे हो। चलो जी देखो दोस्तों, अब मैंने तड़का बनाना शुरू कर दिया, और फटाफट से लगाते हैं तड़का और फिर चावल पकाने हैं यार। तो दोस्तों दाल में एक सीटी और लगाने की जरूरत है, क्योंकि चने की दाल थी ना वो गली नहीं है, तो वो रख दिया मैंने दोबारा से तड़का लगा के। और ये देखो दही मंगा रखे, तो आज मैं सोच रहा हूँ पहाड़ी रायता बनाएंगे, तो खीरा लेके आना पड़ेगा, खीरा लेके आता हूँ फटाफट, और फिर खीरा आज जो है रायता भी बनाएंगे। तो चलो तब तक सीटी भी आ जाएगी। और दोस्तों देखो दाल भी रेडी, चावल भी रेडी, और सिल में पीस के मैंने बना दिया है रायता, और इतना सुंदर लग रहा है ना रायता, ये देखो वाह। अब इसको मिला देता हूँ अच्छे से, और सिल को पहले धो के रख देते हैं साइड में, क्योंकि जगह कम है ना, इसको रखता हूँ साइड में। और रायता मेरा तैयार हो गया, कुमाऊँ नहीं रायता चटपटा। तो दोस्तों ये देखो जी लग गए हैं बर्तन, और ऑल सेट टू, पर बस पुष्पा की कमी महसूस हो रही है, पुष्पा भी साथ होती तो, क्योंकि आज रायता बनाया, लेकिन उसके लिए रख देंगे, क्योंकि उसने कहा कि मेरे लिए रख देना जब बनाओगे तो। तो ये देखो किस तरह से इंतज़ार में लगे हैं, और अभी तक डाला नहीं है, और चलो फटाफट से मैं डालता हूँ प्लेट में, और रायता की शक्ल तो दिखा दूँ आपको। ये देखो ये रायता, ये पहाड़ी रायता, ये वाह, ये देखो जी इसमें पूरी राई हई डाल के, मिर्ची मिर्ची, वाह इसका टेस्ट ही बड़ा ज़बरदस्त आएगा। आप काश कि आप टेस्ट भी इसको जज कर पाते, वाह ब्लॉगिंग में ऐसा भी हो जाता तो मज़ा आ जाता ना। चलो फिलहाल खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों ये देखो जी रायता, आहा भात दाल, यानी कि दाल भात, कैसा लग रहा है भाई, कैसे बना है बता। मस्ता, मस्ता। दाल भात कैसा है? दाल और तो भी खानी, दाल चिकी पर अच्छी है। और रायता? रायता तो एकदम मस्त। तूने, तेरे को कैसा लगा? अच्छा है। दाल भात नहीं चखा? दाल भात नहीं चखा, चल चख ले फिर, अच्छा ही बना होगा यार। क्या मेरी फेवरेट पिक्चर आ रही है? क्या मेरी फेवरेट पिक्चर आ रही है? वाच कर दो दोस्तों, इसकी फेवरेट पिक्चर पता कौन सी है? हम साथ साथ है, देखा हम साथ साथ है सब, लेकिन पुष्पा की कमी है। पुष्पा, चल पुष्पा को रात के लिए, देखो पुष्पा के लिए रख दिया मैंने पूरा, ये पुष्पा खाएगी, और थोड़ा सा मैं भी चुरा लूँगा बाद में, मैं कहूँगा पुष्पा मैंने भी अपने लिए भी रखा, अपने लिए भी रखा। तो ये देखो ये मेरा दाल भात, चलो फटाफट से नो बकवास खाना खाते हैं। दोस्तों खाना खा के मज़ा आ गया भाई, गॉड। तेरे को कैसा लगा रे? अच्छा है ना, इसने दो बार लिया दोस्तों। दोस्तों मैं आया था यहाँ पे शेक खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी ने फांसी खा ली है। तो गाइस यहाँ पे ना किसी ने सुसाइड कर लिया है, यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारी मार्केट के बिल्कुल घर के साथ ही है, यहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया, लड़के ने, एक टेलर है। तो दोस्तों आ गया है डिनर, और ये देखो पुष्पा ने मुझे अपने वाले हिस्से में से भी दे दिया है, थैंक यू पुष्पा, थैंक यू। कैसा लग रहा है बता, रायता खाया तूने? चक्के देख, चक्के देख, पहले मुझे रायते का वो दो मुझे रिव्यू। अच्छा, अच्छा लगा, राई डाली है सिलबट्टे में पीस के, नमक कम है। चलो देखा, इसको बोलते हैं ट्रू ट्रू रिव्यू फीडबैक, ट्रू फीडबैक है, नमक कम है, थोड़ी सी मिर्ची भी कम है, बच्चों के हिसाब से बनाया ना, मिर्ची तो डाली थी। चलो अब मैं अंडे भी खाता हूँ, क्योंकि अंडे खाने भी ज़रूरी है, प्रोटीन्स प्रोटीन्स। दोस्तों अब हो गया फैमिली टाइम, यानी कि दूध टाइम, यानी कि सब पी रहे हैं दूध। ये देखो पुष्पा भी पी रही है, ये भी पी रही है। मक्खी को मेरे पास ही आ रही है, कहाँ से घुसा दी तुमने? मक्खी कैसे घुसा देती अंदर? मक्खी मक्खी ने बेचारी ने ना ऐसे करा नॉक नॉक, मैं कहा कौन है, मैं दरवाजा खोला, मक्खी अंदर घुस गई। ये देखो मेरे पास ही आ रही है मक्खी, ना गंदी गंदी जगह पे बैठती है, मैं जब मैं होती हूं कभी मक्खी नहीं गुजारती हूं। नहीं अब मैं क्या करूं, नहीं पर वो पता क्या, वो मक्खी उसे टिंग टिंग हमारे बैल तो नहीं, उसने करेगा टक टक, कौन है, मैं हूं, अंदर घुस गई फट से, मैं ऊपर देखता रहेगा, नीचे बगल में से निकल गई मेरे ऐसे, है ना दोस्तों, इसका दूध बाहर आ गया। देखा ऐसे डायलॉग बच जाते हैं फैमिली टाइम में, तो थोड़ा सा 5 मिनट हंस लिया करो, क्या जाता है आपका, है फैमिली के साथ हंस नहीं सकते हो? मैं अभी तो घर पे होती हूं, तुम लोग पता नहीं कैसे मक्खियों को घुसा देते हो घर के अंदर। पुष्पा फिर तू नहीं थी ना, तो ऑल आउट कितना ऐसे ऐसे अजीब कर दिया। दोस्तों देखा दूध पच जाएगा,
उसको देखो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। चलो दूध पी लेते हैं गर्मा गर्म। अब देखो साथ में मेरी एडिटिंग भी चल रही है ना। जो सबसे ज्यादा बिजी होता है ना बंदा उसको तंग करती है मक्खी। कभी भी देख लियो, कहने का मतलब क्या पता है, जो बेला बंदा होता है ना उसके पास आती है। दोस्तों कभी भी देखना जब कोई बंदा ना बहुत ज्यादा बेला सा होगा ना, मतलब बेला जिसको काम नहीं होगा उसके पास जाएगी मक्खी, उनमें करके उसी का तंग करती है। जो काम में बिजी होगा उसको नहीं पता लगता, लेकिन जो बेला सा होगा ना ए मक्खी ए मक्खी। चलो चलो ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना मेरी बीवी का। ए बच्चों किसी ने मेरी बीवी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं उड़ा सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए दिल से थैंक यू। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, देखिए मैं वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ और टाइम हो गया कितना, 1 बज गया है ना, और बच्चे सब सो गए हैं अच्छे से। और ये देखो आज पंखा भी चलाया हुआ है पहली बार। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यार से कमेंट कर देना। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। दोस्तों खाना खा के मज़ा आ गया, बाई गॉड मैंने ज़्यादा खा लिया है, मेरा पेट भर गया है बहुत ज़्यादा। ये देखो टैंग 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 पेट भर गया ज़्यादा। ओहो मज़ा आ गया लेकिन खाना खा के, रायता खा के अब टीवी देखा जाएगा।